हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सैमसंग के गैलेक्सी M20 के लिए 6D स्क्रीन प्रोटेक्टर ग्लास। यहाँ पर नॉर्मली टेम्पर्ड जो ग्लास होता है वो हमारा 50 रुपीज़ का आ जाता है, बट यहाँ पर मैंने परचेस करा है मार्केट से, ये ऑफलाइन मार्केट से मैंने परचेस करा है। आप ऑनलाइन भी मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मुझे ऑफलाइन मार्केट में ये मिला है 200 रुपीज़ का होलसेल प्राइस में, जबकि इसकी जो प्राइस नहीं होती है ऑलमोस्ट 300 का करीब होती है। यहाँ पर मैंशन है एज टू एज एंड 60 ऊपर लिखा हुआ है कि 60 स्क्रीन प्रोटेक्टर है। एंड बिलीव मी, मतलब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इस स्क्रीन प्रोटेक्टर को अप्लाई करने के बाद में जो हम अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं कंप्लीट ऐसा फील देता है। फॉर एग्जांपल, विदाउट अगर हम स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा स्मूथ जो है हमारी टच होती है, तो सेम वही फील हमें जो है हमारा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर देता है। सो यहाँ पर ये रहा हमारा नॉर्मल स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो कि हमें मार्केट में 550 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। कोई 100 रुपीज़ का भी देता है, वो ठगते हैं। खैर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर 6D स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये हमारा सैमसंग का M20 विदाउट एनी स्क्रीन प्रोटेक्टर। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। कोई भी आप जो है कपड़ा ले सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पर यूज़ करता हूँ जो पुराने सैंडोबलियान होते हैं, मैं उसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पर एक क्लॉथ भी आता है अलग से, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। बस ये हो कि वो कॉटन हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा जो है क्लीन होता है। खैर यहाँ पर कोई भी आप स्प्रे ले सकते हैं, आउट ऑफ स्क्रीन गार्ड भी हमें स्क्रीन गार्ड के साथ में भी हमें स्प्रे देखने को मिलती है, बट मैंने इसके लिए अलग से परचेज़ की हुई है। ये क्लीनर है मोबाइल का ही। मैं 3 तरीके के क्लीनर यूज़ करता हूँ, अलग अलग तरीके के, स्क्रच रिमूव करने के एंड काफ़ी कुछ होता है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पहले मैं इसको सही तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। आप रुमाल वगैरह से भी क्लीन कर सकते हो, जो आप इसी के लिए यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। तो मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ इसे बड़े तरीके से। आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, काफ़ी छोटे छोटे डर्ट होता है जो कि हमें स्क्रीन पर नज़र भी नहीं आता। कभी कभी कैमरा पर मैं दिखा नहीं सकता, बट आप नॉर्मली अगर आप पास से देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा। आपको वो अपने डिवाइस के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो बबल आ जाएंगे, और जो बबल आ जाते हैं फिर उसको फिक्स करना काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार तो मतलब काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो आप कर ही नहीं सकते। खैर उसको भी किस तरीके से फिक्स करेंगे इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको फ्यूचर में हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पर एक सेलो टैप यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हम यूज़ करेंगे जो छोटे पार्टिकल होते हैं गंदगी के वो ना आए। जैसे कि इस तरीके से आपको साफ़ करना है। अलग इसके स्टिकर आते हैं डस्ट रिमूवर के, जो स्पेशली इसी के लिए यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर हम कोई भी टेप वगैरह यूज़ कर पाएंगे, कर सकते हैं ईजिली, वो हमें घर पर ही आराम से मिल जाएगा। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारा यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े होते हैं गंदगी के, वो इस टैप पर आए हैं, और ये बार बार आते ही रहते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम अपने डिवाइस को एक ही जगह पर रखेंगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा जब आप अपने स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करें, जस्ट अप्लाई करने से पहले एक बार फिर से अपनी इसी तरीके से सेलो टैप या कोई भी टैप से आप इसको इस तरीके से जो है आप अप्लाई करें, डस्ट को उठाएँ। सो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर के जो है अपने स्क्रीन प्रोटेक्टर को रिमूव करना है, एंड उसके बाद में आपको एक टेप लेनी है अगेन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डस्ट आ गया मेरे पास में। अगर डस्ट नहीं आता तो फिर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर डस्ट को रिमूव नहीं करेंगे तो आपके जो स्क्रीन गार्ड है उसके अंदर डस्ट आ जाएगा और वहाँ पर बबल भी आ जाता है। तो आपको इसको किस तरीके से मतलब एडजस्ट करना है, आपको ऊपर की तरफ कैमरा जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, उसके बाद में आपको नीचे से दोनों ही एजेस को अपने आप ही एडजस्ट करके आपको पता चल जाएगा। जिस टाइम आप रखेंगे अपने स्क्रीन गार्ड को अपने डिवाइस के ऊपर, नीचे से आपको दोनों ही एजेस को इस तरीके से पकड़ना है एंड आपको अपने स्क्रीन गार्ड को छोड़ देना है। आपको स्क्रीन गार्ड को छोड़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होगा, आपको बीच में कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करना है एंड ये फिर ऑटोमेटिक अप्लाई होने लगेगा। बट यहाँ पर कुछ कुछ बबल्स आप देख सकते हैं, इसको आपको अपने हाथ से स्वाइप करके रब करके निकालना है, और आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद में आप खुद देखेंगे कि इसका जो टच फील है वो कितना डिफरेंट है, अगर हम 50 रुपये का या 30 रुपये का जो भी मिलता है मार्केट में स्क्रीन प्रोटेक्टर, उसके मुकाबले
मैं कहना चाहूँगा ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर है मार्केट के अंदर। ये सभी एजेस को कम्प्लीटली कवर्ड करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से परचेस करा है, और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन मार्केट से भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर और भी डिवाइसेस के स्क्रीन कार्ड परचेस करे हैं। यहाँ पर मैंने पोको F1 का परचेस करा है, सैमसंग के J6 इन्फिनिटी का, और साथ ही साथ सैमसंग के J7 प्राइम का। अगर आप चाहें तो मैं उनके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो चले तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।